हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त और आज हमारे घर में माँ मनसा की पूजा है। माँ मनसा सांपों की देवी होती है और हम बंगालीस ये पूजा नाग पंचमी के दिन करते हैं। तो आज हम सब सुबह सुबह नहा धोकर देवी माँ के लिए फल, मिठाई, पूरी, हलवा इन सब चीज़ों से प्रसाद तैयार कर लिया है। साथ में दिया जाता है ड्राई फ्रूट्स, नारियल और दूध, केला। अभी 9:30 बज चुके हैं और पुजारी जी 10:30 बजे तक आएंगे, तो तब तक हम लोग सब तैयार होके पुजारी जी का वेट कर रहे हैं। किचन में खाने की तैयारी चल रही थी और मेरे रिलेटिव्स लोग कुछ आ रहे थे पूजा स्टार्ट होने से पहले। मेरे ससुराल में ये पूजा बहुत सालों से की जा रही है। पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करता था तो बहुत धूमधाम से पूरा परिवार मिलकर पूजा करते थे, पर अब सभी फैमिली अलग हो गए हैं तो अब हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। पूजा चाहे बड़ा हो या छोटा, जो सबसे जरूरी होता है वो है भक्ति। कोई भी पूजा भक्ति और निष्ठा से की जाए तो वो जरूर सफल होती है। मेरे ससुराल में ये पूजा नाग पंचमी के दिन किया जाता है और 9 नागों की मूर्ति लाई जाती है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। क्या आपको मनसा देवी के बारे में पता है? दरअसल मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी बेटी माना जाता है। मान्यता है कि माँ मनसा की पूजा सच्चे मन से करने पर सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। एक तरफ पूजा चल रही थी और दूसरी तरफ दोपहर के खाने की तैयारी चल रही थी। जब हमारे घर में पूजा होती है तो हम सब खिचड़ी खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज के मेनू में भी मिक्स्ड वेजिटेबल होगा, खिचड़ी होगी और फ्राई उसके साथ रहेगा, चटनी और खीर। तो सब कुछ खाना यहीं पर नीचे पकाया जाएगा और ऊपर लाकर सभी को सर्व किया जाएगा। पूजा के अंत में हम लोग अंजलि लेते हैं। नमो महाशोकनी महामोये चामुंडे सर्वज्ञ देवोभाय मनसा देवी। नमो एषो शोचंदन पुष्पो बिल्लो पत्रांजलि। नमो पूजा खत्म होने के बाद हम सबको चरणामृत दिया गया। ये पूरी बना है, पूरी के साथ हलवा भी रहेगा, वो प्रसाद में दिया जाएगा। और इधर नीचे जो मेरी मौसी है वो और उनकी एक असिस्टेंट मिलकर खाना बना रही है। हम लोग सुबह से
जब तक पूजा खत्म नहीं होती है कुछ नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रसाद देंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। तो सबको पहले प्रसाद दिया जाएगा। मैं फिर से नीचे जाती हूँ देखने के लिए कि ये खाना कितना बनके तैयार हुआ है। तो लास्ट अभी फ्राई हो रहा है, इस फ्राई के बाद ही सबको खाना परोस दिया जाएगा। और ये है पम्पकिन फ्राई, बहुत ही टेस्टी होता है। ये हम किसी भी पूजा में खिचड़ी के साथ ज़रूर खाते हैं। और ये खाना बनके तैयार हो गया है और हम लोग अभी इसे किचन में लेकर आ गए हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल खिचड़ी और साथ में पापड़ फ्राई एंड पम्पकिन फ्राई, ये है खीर और आम की चटनी। इसके बाद सबको खाना परोसा गया, सब लोगों ने खाना खाया। मैंने भी पहले प्रसाद लिया और उसके बाद ही खाना खाया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।